नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं। अभी बात हो रही थी कुछ प्रेम की, प्यार की, तो पहला प्यार देखिए, नाम सुनते सबके चेहरों पे कैसे मुस्कान आ गई है। जी हाँ, पहला प्यार चीज ही कुछ ऐसी है जो बुलाए नहीं बोलता, पर अक्सर यह देखा गया है कि आदमी को आफ्टर मैरिज जो है उसको पहला प्यार छोड़ना पड़ता है। ये फ़र्ज कीजिए कि आपका लाइफ पार्टनर आपको आफ्टर मैरिज पहले प्यार को कंटिन्यू करने की परमिशन दे दे, तो लगे लाटरी निकल गई। और फर्ज कीजिए कि अगर आपका और आपके पार्टनर का पहला प्यार एक ही चीज़ हो, फिर तो जैकपॉट। जी हाँ, मैं वो खुशकिस्मत बंदा हूँ, मेरा और मेरे लाइफ पार्टनर का पहला प्यार एक ही चीज़ है। वो आपके पेट में गुदगुदी हो रही होगी कि क्या है वो। जी वो है चाय। मैं और मेरा लाइफ पार्टनर, हमें दोनों चाय बहुत पसंद है। हम चाय इतनी पीते हैं कि सुबह उठते हैं हम 3 कप चाय पीते हैं, फिर ब्रेकफास्ट से पहले पीते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद पीते हैं, फिर ऑफिस जाने के पहले पीते हैं, ऑफिस जाके पीते हैं, फिर लंच से पहले पीते हैं, लंच के बाद पीते हैं, फिर इवनिंग टी तो होती है, फिर ऑफिस से निकलने से पहले पीते हैं और फिर घर आके पीते हैं, फिर डिनर से पहले, डिनर के बाद में, शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग से पहले, शॉपिंग के बाद में, और कभी कभी चाय पी के आदमी बोर हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तो एसिडिटी को दूर करने के लिए फिर चाय पीते हैं। क्योंकि चाय है ही अजब गजब चीज़ है, जो इतनी अजब गजब है तो उसके बारे में कुछ लाइनें लिखना तो बनता है। तो कुछ आपका पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि सुन चाय का नाम, सुन चाय का नाम, मेरी आँखों में चमक आ जाती है, और मिल जाए अगर पीने को तो आत्मा तृप्त हो जाती है। अब चाय का क्या है कि हर व्यक्ति अलग अलग तरह की चाय पीता है, कोई विद मिल्क पीता है, कोई विदाउट मिल्क पीता है, कोई विद शुगर पीता है, कोई विदाउट शुगर पीता है, कोई मसाले वाली, कोई इलायची वाली, क्योंकि हर चाय की किक अलग होती है। तो मेरे को क्या किक मिलती है कि काली चाय जो पीऊँ तो गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग आती है, काली चाय जो पीऊँ गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग आती है, जब भी मिल जाए थोड़ी ताजगी दे जाती है। डाल चीनी जो पीऊँ तो मिठास उसकी बढ़ जाती है, और प्रेमिका वाली फीलिंग उसमें अब जुड़ जाती है। दूध मिलाते ही उसमें उसकी रंगत बदल जाती है, और पत्नी वाला सारा दमखम वो हमको दिखलाती है। अब पत्नी वाला दमखम क्या है, थोड़ी कड़क थोड़ी मीठी थोड़ी क्रीमी और तीखी, इन सारे गुणों के साथ ढेर सारी संतुष्टि भी दे जाती है। अब चाय मसाले वाली साली की याद दिलाती है। देखो कैसे आवाज़ निकली है, देखो। चाय मसाले वाली साली की याद दिलाती है, दिल और दिमाग को झट से ताजा कर जाती है। और चाय इलायची की तो खुशबू ही अपना रंग दिखाती है, वो काले घटाओं से केशों की फिर याद आ जाती है। अब चाय का क्या है, सिर्फ इसमें किक ही नहीं मिलती है, इसके फ़ायदे ही बहुत हैं। चाय गजब है, ये हर मर्ज की दवा, और बीबी अगर रूठी हो तो सुबह सवेरे उसको चाय पिला। चाय पे चर्चा से तेरी हर बिगड़ी बात बन जाएगी, और समस्या कोई भी हो झट से दूर हो जाएगी। और भी बहुत फ़ायदे हैं इसके, छोटे बड़े सभी काम चाय पिलाने से बन जाते हैं, और बड़े बड़े अफसर भी चाय पानी के खर्चे से गल जाते हैं, पता होगा आपको। और अगली 2 लाइनों में व्यंग प्रस्तुत कर रहा हूँ, थोड़ा आनंद लीजिएगा, कि पीकर चाय जो पढ़ाई करे तो डॉक्टर इंजीनियर बनने के चांस हैं, पीकर चाय जो पढ़ाई करे तो डॉक्टर इंजीनियर बनने की आस है, और अगर चाय डॉक्टर इंजीनियर ना बन सके और पढ़ ना सके तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बनने के चांस हैं। तो चाय का आनंद लेना है तो चाय को जी कर देखो, सब पीने नहीं है,
चाय का आनंद लेना है तो चाय को जीकर देखो और नुक्कड़ के रेड़ी वाले की चाय को पीकर देखो। चाय इलायची, चाय मसाला और अदरक वाली कड़ी कड़क चाय। चाय इलायची, चाय मसाला और अदरक वाली कड़क चाय, दूध में पत्ती, खड़ी चम्मच और कटचे अपना रंग दिखाए। हर तरह की चाय वहाँ सस्ते में मिल जाती है। रेड़ी वाले पे हर तरह की चाय मिलेगी आपको। हर तरह की चाय वहाँ सस्ते में मिल जाती है और चाय पीते पिलाते सरकारें गिर और बन भी जाती हैं। और उसी चाय से रोटी खा गरीब का पेट भर जाता है। उसी चाय से रोटी खा गरीब का पेट भर जाता है और अगर रोटी ना हो तो अपने चाय से ही अपना काम चलाता है। चाय गरीब की भूख मारे और अमीर की भूख बढ़ाती है, क्योंकि आजकल आपने देखा है चाय बेचना ही बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। तो चाय गरीब की भूख मारे और अमीर की भूख बढ़ाती है, बेच चाय एक का पेट भरे और दूसरे की तिजोरी भर जाती है। चाय गरीब की भूख मारे अमीर की भूख बढ़ाती है, बेच चाय एक का पेट भरे दूसरे की तिजोरी भर जाती है। और परिस्थिति कैसी भी हो ये हरदम साथ निभाती है और अपने अस्तित्व को मिटा के दूसरे का भला कर जाती है। अपने अस्तित्व को मिटा के दूसरे का भला कर जाती है। सुन चाय का नाम, मेरी आँखों में चमक आ जाती है और मिल जाए अगर पीने को तो आत्मा तृप्त हो जाती है। जाते जाते आप सबको दोबारा से होली की शुभकामनाएं। थैंक यू।